आज हम लोग जानेंगे सब्जियों में रंग व कड़वापन के बारे में, उसमें कड़वापन क्यों होता है। ये मूली में कड़वापन यानी कि तीखापन क्यों होता है, क्योंकि उसमें आइसोसाइनेट पाया जाता है। मिर्च में चरपराहट, मिर्च काटने पर जो आवाज़ आती है चरपराहट की, वो किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण। शलजम से भी चरपराहट की आवाज़ आती है, वो किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण। खीरा, खीरा देखिए कड़वाहट होता है, खीरा के जो सिरे पर होता है कड़वाहट, उसमें क्या पाया जाता है, कुकरबिटेसिन पाया जाता है। प्याज में गंध, प्याज काटने पर या प्याज खाने से जो गंध होती है, कच्चा प्याज खाने से देखिए गंध आती है, वो गंध किसके कारण आती है, प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। लहसुन में जो गंध होता है वो क्यों होता है, डाई एलाइल सल्फाइड यानी कि एलाइसिन के कारण। करेले में कड़वाहट, करेला तीखा होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरफाइन पाया जाता है। आलू का हरा रंग, आलू कभी कभी हरे रंग का हो जाता है, उसमें सोलेनिन वर्णक उपस्थित हो जाता है, इसलिए आलू हरे रंग का हो जाता है। टमाटर का लाल रंग, लाइकोपिन पिगमेंट के कारण यानी कि वर्णक के कारण टमाटर लाल रंग का होता है। प्याज का पीला रंग, प्याज दो कलर की होती है, एक प्याज लाल होती है, एक प्याज पीले रंग की होती है, तो दोनों में अलग अलग वर्णक पाया जाता है, इसीलिए प्याज की कलर अलग अलग होती है। प्याज में पीला रंग होता है तो क्वेरसिटिन के कारण, और लाल रंग कैप्सिनथिन के कारण। मिर्च में लाल रंग कैप्सिन के कारण, जब मिर्च पक जाती है हरे से लाल रंग की हो जाती है तो उसमें कैप्सिन पिगमेंट हो जाता है। हल्दी में पीला रंग कुकरमिन के कारण। गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। गाजर भी दो कलर की होती है, गाजर लाल होती है, गाजर नारंगी होती है, तो जो लाल गाजर होती है उसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है, और जो नारंगी गाजर होती है उसमें कैरोटिन पाया जाता है, ये पिगमेंट है, वर्णक है। अरवी में कनकनाहट, जो अरवी काटने पर कनकनाहट होती है हाथ में, वो किसके कारण होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीलेट को क्या कह सकते हैं, एथाइल आइसोथायोसाइनेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट को एथाइल आइसोथायोसाइनेट भी कहते हैं। चने की पत्ती में खटास, चने की पत्ती खाने पर जो खटास लगती है वो ऑक्सैलिक अम्ल, उसमें ऑक्सैलिक अम्ल की उपस्थिति के कारण चने की खटास होती है।